वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। शनिवार को यह फैसला तब आया जब जौनपुर से पुलिस प्रशासन उसे एम्बुलेंस में लेकर बरेली जेल शिफ्ट करने के लिए निकल चुका था। धनंजय रास्ते में ही थे तभी उनकी जमानत की खबर आ गई। हालांकि हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में वह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बता दें 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि धनंजय सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है।